सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये जो टाइम है मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के लगभग बज रहे हैं 5:30 और मैं अपने काम में जुट पड़ी हूँ और बच्चों को भी मैंने साथ ही साथ उठा दिया है। जब तक वो लोग रेडी होंगे ना, तब तक मैं अपने पूरे घर में झाड़ू वगैरह सब कर लेती हूँ। लगभग मतलब मुझे सिर्फ झाड़ू करने में जल्दी जल्दी आधे घंटे लगते हैं अगर मैं बीच में रुकूँ ना तो। तो बच्चे एक तरफ से रेडी होंगे तो झाड़ू वाड़ू लगा करके मैं फटाफट से आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं जो है लंच की तैयारी कर रही हूँ उन लोगों के लिए। पहले तो मैं फटाफट से नहा लेती थी, उसके बाद ही आती थी, लेकिन अब सर्दियाँ शुरू हो गई है ना, तो इस वजह से ना उन लोग को भेजने के बाद में ही नहाती हूँ क्योंकि ठंडी ज़्यादा होने लगी है, नुकसान करता है मॉर्निंग में। तो यहाँ पर मैंने पुलाव बनाया हुआ है तो बच्चों को मैंने पुलाव दे दिया है, वो लोग तैयार भी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और देखिए जब मैं उठी थी तो कितना सुबह था, हल्का हल्का सा। अब सिर्फ झाड़ू लगा के और बच्चों का लंच रेडी करने भर में देखिए धूप निकल आई है और बच्चे भी रेडी हो चुके हैं। 7:10 बाकी होता है ना जब तब ये लोग निकल जाते हैं और जो बस का टाइम है वो 7:05 का है। तो बच्चे निकल रहे हैं और ये देखिए इनके पापा भी उठ चुके हैं इन्हें छोड़ने के लिए। तो यहाँ से बाइक से लेकर जाते हैं, उसके बाद जहाँ पे बस आती है हाईवे पे वहाँ पे छोड़ के फिर आ जाते हैं। तो ये लोग निकल रहे हैं, उधर वो देखिए हमारे गाय भी लगाने का टाइम हो गया है तो वो आया है आदमी जो हम लोगों के यहाँ काम करता है, उसको मैं डिब्बा दे दूँगी। उसके बाद मैं फटाफट से जाऊँगी नहाने, लेकिन उसके पहले मैंने सोचा फटाफट से पहले अपने बेड सही कर दूँ, छोड़ दूँगी ना तो इसके बाद मुझे फिर ना 10 से पहले टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। नहाऊँगी धोऊँगी पूजा पाठ करूँगी उसके बाद ही कहीं मैं फ्री हो पाती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैं नहा कर आ चुकी थी, आज मैंने न्यू सूट पहना है, कैसा लग रहा है बताइएगा। फ्रेंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? तो मैं जो है नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ और सुबह के लगभग बज रहे हैं 7:30, 7 बच्चे गए और लगभग यही रूटीन मेरी होती है कि 7 वो जाते हैं तो फिर मैं फटाफट से नहाने चली जाती हूँ। तब तक मतलब आधे घंटे में थोड़ा सा मतलब रेडी होती हूँ पूजा पाठ के लिए। तो अभी मैं चल रही हूँ मंदिर में और कान्हा को उठाऊँगी सबसे पहले, उसके बाद बाहर जल चढ़ाऊँगी, पूजा पाठ करूँगी। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है ना मॉर्निंग टू आफ्टरनून होगा, तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को एंजॉय करिए। तो गई सबसे पहले मेरा जो काम होता है ना वो होता है कान्हा को उठाने का काम होता है। कान्हा को उठाती हूँ, आचमन कराती हूँ, इन्हें बिठा देती हूँ, उसके बाद मैं पूजा की और भी सारी तैयारी करती हूँ, बाहर जल चढ़ाती हूँ, तो इतने काम करती हूँ। तो ये देखिए मैंने कान्हा को उठा के बिठा दिया है, इन्हें मैं जो है कुछ ड्राई फ्रूट दे दूँगी और बोलूँगी आप बैठो मैं पूजा करके आती हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सो गाइस कान्हा को उठा दिया, मंदिर साफ़ कर दिया मैंने, अब मैं चल रही हूँ बाहर जल चढ़ाने। बाहर जल चढ़ा के और उसके बाद दिया वगैरह सारी सब बना के उसके बाद ही फिर मैं मंदिर में आऊँगी, कान्हा को नहलाऊँगी धुलाऊँगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले भोलेनाथ हैं तो इन्हें सबसे पहले मैं साफ़ करती हूँ, मतलब कि जो भी फूल अक्षत वगैरह सब एक दिन पहले का होता है ना वो सारी चीज़ें मैं मतलब साफ़ करती हूँ। उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हूँ, माता जी को जल चढ़ाती हूँ। माता जी मीन्स हमारे घर के सामने महारानी माई है, हम लोगों के गाँव में काफ़ी उनकी मान्यता है, बहुत ही मतलब उनकी सिद्धि है तो उनको जल चढ़ाती हूँ। उसके बाद तुलसी माता में भोलेनाथ को, बस ऐसे ही मेरा डेली का मॉर्निंग का रूटीन होता है, यही है मेरी मॉर्निंग रूटीन, डेली में मैं यही करती हूँ, ऐसे ही करती हूँ। और मैं किस टाइप की वीडियो आपके साथ शेयर करूँ प्लीज़ आप बताइए कुछ कमेंट करके। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो है जल चढ़ाया है, उसके बाद आज जो है बृहस्पतिवार है इस वजह से मैंने येलो पहना है और आज मैं कान्हा को भी अपने येलो ही पहनाऊँगी, तो इस वजह से मैंने केले के पेड़ में भी जो है डे वाइज जैसा डे होता है उस हिसाब से जल चढ़ाती हूँ। तो जैसे बृहस्पतिवार था तो केले के पौधे में भी मैंने जल चढ़ाया है, उसके बाद
बाद यहाँ भोलेनाथ को जल चढ़ा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को एंजॉय करिएगा, अच्छा लगेगा लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करिएगा। कार्तिक का महीना चल रहा है तो यहाँ पर मैं तुलसी माता को जल दे रही हूँ, धूप जला रही हूँ, सूर्य भगवान को धूप जला रही हूँ। और कौन कौन कार्तिक के महीने में तुलसी माता को दिया करता है, कल उनकी शादी भी हो गई थी उसकी भी वीडियो है, मैं उसको जो है बहुत अच्छे से शेयर करूँगी। तो अभी आ गई हूँ मैं मंदिर में बाहर करके, अब यहाँ करूँगी। सो गाइस मैं जल चढ़ा रही हूँ बाहर, अब मैं चल रही हूँ यहाँ पे पूजा करूँगी, गाना को नहीं लाऊंगी और लगभग मुझे आधे घंटे लगेंगे यहाँ पे। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे पूजा कर लेने के बाद में, बाय। तो ये देखिए इस तरह से मैंने थाली में एक स्टार बनाकर उस पर श्री लिखा है और इसी पर बिठा के मैं कान्हा को स्नान कराती हूँ। डेली मैं ऐसे ही करती हूँ। और भागवत में मैंने सुना था कि जो जेंट्स होते हैं वो ओम लिखते हैं और लेडीज़ जो है श्री लिखती हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं कान्हा को स्नान करा लूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आज है बृहस्पतिवार, तो ये येलो ड्रेस मैं कान्हा को पहनी होती है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना, तैयार हो चुके हैं और ही बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, बहुत ही खुश लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो बस अब यहाँ पर मैं कान्हा को जो है पूजा पाठ कर लूँगी, बाकी भी और जो भी मुझे डेली की पूजा करनी है वो करती हूँ। तो चलिए वीडियो को इंजॉय करिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करिएगा। गाइस मैं चल रही फटाफट से चाय पी लूँ और ये जो बिस्किट मैंने कल बनाया था ना बहुत ही टेस्टी बने थे, तो आप भी ट्राई करिए एक बार। अगर रोटी की नहीं है तो कोई नहीं, आप कढ़ाई में बना सकते हैं प्री हीट करके, एकदम जो है लो फ्लेम पे इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बिस्किट बनेगा खाने में। चाय से रखते भी चाय जैसे बच्चे भी खा के गए स्कूल। तो अभी मैं फटाफट से चाय पी लूँ, उसके बाद चलती हूँ छत पे। कल मैंने ब्लॉग में दिखाया था ना कि मैंने गेहूँ धुला है तो उसे मुझे फैलाना है। तो चलिए चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो गाइस चाय पानी होने के बाद खाना बनने बनाया, खाना बना के हस्बैंड खा लिए, वो जा रहे हैं। टाइम की बात करूँ तो अभी जो है लगभग 11:30 का टाइम है, तो वो चले गए। उसके बाद फिर मैंने अम्मा को भी खाना दिया, बर्तन वगैरह सब धुल वुल के, फिर लगभग 12:15 का टाइम था। अब जाकर कहीं मैं छत पर आने का टाइम मुझे मिला है तो मैं छत पर आ गई हूँ। कल जो मैंने गेहूँ धुला था ना उसे फैलाने के लिए, और पता है ये तो ऐसे ही मतलब आधा तो 50% ऐसे ही सूख जाता है। मैं रात को धुल के यहीं पर ऐसे रख के चली गई थी, सारा पानी इसका सब सूख जाता है, तो आधा तो ऐसे ही सूख जाता है। तो आज ये दिन भर में ना बहुत अच्छी तरीके से सूख जाएगा, तो अगर मतलब मुझे पीसने के लिए देना होगा तो आज मैं इसे दे सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से चलिए अपने काम कर लेती हूँ। वीडियो को एंजॉय करिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी लाइक शेयर करिएगा। वैसे तो इसके बाद मैं वीडियो का एंड भी करूँगी, क्योंकि मैंने मतलब पहले ही बता दिया था कि मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून का ये ब्लॉग है। तो कैसा लगा बताइएगा कॉमेंट में, अच्छा लगा होगा लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करिएगा। गेहूँ मैंने फैला लिया है, धूप काफ़ी तेज है और टाइम जो जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 12:30 बजने वाले हैं। और ये देखिए मैं हमारी गाय माता को देख लीजिए, जैसा कि मैं आपको लगभग दिखाती हूँ कि जब भी मैं देखती हूँ यहाँ पे ना, तो ये जो गाय का छोटा सा बच्चा है ना, ये हमेशा पैर ऊपर करके ही खड़ा रहता है। मैं ये सोचती हूँ कि क्या ये थकता नहीं है क्या। खैर छोड़िए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बाय बाय।